सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए स्वास्थ्य विभाग की एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पर स्टाफ नर्स के खाली पदों को भरने के लिए बम्पर भर्ती होने जा रही है। 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं जिनको भरने के लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 12वीं पास, डिग्री धारक या फिर डिप्लोमा धारक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स। भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए लास्ट डेट 3 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है, जहाँ पर पोस्ट के नाम है स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड सेकेंड, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए ये खाली पद हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3012 है, जिनमें से स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 मेल कैंडिडेट्स के लिए 341 वैकेंसीज हैं और स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2671 वैकेंसीज हैं। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 3012 खाली पद हैं, जिनको आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स के द्वारा भरा जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस उनके पास GNM का डिप्लोमा या फिर BSc की डिग्री नर्सिंग के अंदर होनी जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। आयु सीमा आपकी 21 से 40 वर्ष के बीच में रखी गई है। सैलरी आपको 44,900 से 1,42,400 के बीच में लेवल 7 के तहत प्रोवाइड करा दी जाएगी स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल, OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स को ₹125 आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराने होंगे। SC ST और EH सर्विसमैन कैंडिडेट्स को ₹65 जमा कराने होंगे और PH कैटेगरी कैंडिडेट्स को मात्र ₹25 आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराने होंगे। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर ई चालान फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.up.nic.in। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 16 अगस्त 2021 थी, जिसको बढ़ाकर अब 3 सितंबर 2021 कर दिया गया है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 12 अगस्त 2021 थी, इसको भी अब बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप 3 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और अपना फीस का अमाउंट 31 अगस्त 2021 तक जमा करा सकते हो। तो दोस्तों, ये थी स्वास्थ्य विभाग की इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। प्लस यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसके माध्यम से आप सिंपल इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जैसे ही आप इन लिंक्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये UPSC ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ से आप इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो और यहीं से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर आकर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 मेल फीमेल एडवर्टाइजमेंट नंबर A4/E1/2021 यूपी मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट KGMU इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टाफ नर्स परीक्षा इस कॉलम में आना है। जी हाँ दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के सामने यहाँ पर आपको यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई के लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं। जैसे ही आप यूजर इंस्ट्रक्शन लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो, देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। व्यू एडवर्टाइजमेंट
लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट और डॉक यानी कि वर्ड फॉर्मेट में फाइल्स प्रोवाइड कराई गई है आपके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की। इनमें से आप अपने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप PDF फाइल या फिर डॉक फाइल ओपन करके हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कराया गया है। किसी को भी ओपन करके आप पूरी डिटेल उनमें से रीड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने PDF फाइल खोली है इंग्लिश में, ये इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF फाइल है इंग्लिश की। इसमें से भी आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो या फिर आप हिंदी की भी फाइल ओपन कर सकते हो। यहाँ से भी आप पूरी डिटेल वन बाय वन करके रीड कर सकते हो। पूरी डिटेल यहाँ से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, अप्लाई का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और लास्ट डेट जो एक्सटेंड हुई है उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। जी हाँ दोस्तों, 3/9/2021 फॉर्म सबमिशन लास्ट डेट 3/9/2021 कर दी गई है, जो कि आप यहां से चेक कर सकते हो। फीस डिपोजिशन लास्ट डेट भी आप यहीं से चेक कर सकते हो, जो कि 31/8/2021 कर दी गई है। तो दोस्तों, ये थी इस भर्ती की पूरी जानकारी और यहां से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।